हेलो गाइस, तो क्या चल रहा है, कैसे हो? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक और ऐसी नई साउथ इंडियन मूवी की बात करने वाले हैं जिसके हिंदी डब वर्जन रिगार्डिंग कुछ कंफर्म अपडेट आई हुई है। तो उस मूवी का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र 2019 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एपिक हिस्टोरिकल वॉर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा है जेके भारवी ने और फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है नागन्ना ने। मूवी की कास्ट बहुत बड़ी है। मूवी के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे दर्शन, मेघना राज, वी रविचंद्रन, अंबारीश, अर्जुन सरजा, श्रीनाथ, श्रीनिवास मूर्ति, शशि कुमार, सोनू सूद, निखिल कुमार गौड़ा, स्नेहा, रोकलाइन वेंकटेश, भारती विष्णुवर्धन और भी काफी लंबी कास्ट है। इस फिल्म में महाभारत में जो वॉर हुई थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि फिल्म का प्लॉट जो स्टोरी है वो महाभारत को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिसमें दुर्योधन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया हुआ है। इस फिल्म में आपको दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरी कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म की लेंथ करीबन 3 घंटे है, यानी कि पूरी महाभारत की जो एपिक वॉर है उसे 3 घंटे में बताने की कोशिश की हुई है। इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में 9 अगस्त 2019 को रिलीज किया गया था और कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु, तमिल और मलयालम डब्ड लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को करीब करीब 1000 यानी कि 1000 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था, जो कन्नड़ा फिल्म में वाइडेस्ट रिलीज थी। यानी कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक जितनी फिल्में आई है उसमें इस फिल्म को सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म को तो हिंदी वर्जन में भी साथ ही में रिलीज करने वाले थे, जिसके हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर राइट सोल्ड आउट किए थे धर्मा प्रोडक्शन ने। लेकिन पता नहीं कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हुए होंगे या तो कुछ मेकर्स की कोई दूसरी चॉइस रही होगी, और वैसे ही कुछ अननोन रीजंस के चलते इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया था, खाली तेलुगु, तमिल और मलयालम डब लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। यानी टोटल 4 लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, हिंदी में नहीं किया था। वैसे तो फिल्म का हिंदी डब वर्जन तभी कम्प्लीट करवा दिया था और इसको कम्प्लीट करवाया था उनके ओरिजिनल प्रोड्यूसर ने ही। इस फिल्म को IMDB में 6.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिस्पांस मिला था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हिट साबित हुई थी। अब इस मूवी को थिएटर में तो रिलीज नहीं करने वाले क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के चलते ये फिल्म अब आपको थिएटर में देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्ट इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर ही करवाया जाएगा और इस फिल्म के टेलीविजन प्रीमियर राइट सोल्ड आउट किए स्टार गोल्ड ने, यानी कि स्टार नेटवर्क ने। ये फिल्म आपको जल्द ही स्टार गोल्ड पे देखने को मिलने वाली है, शायद इसी महीने के एंड तक या अगले महीने तक आपको इस फिल्म का प्रोमो भी देखने को मिल जाएगा स्टार गोल्ड पे हिंदी डब वर्जन वाला। तो ये फिल्म जब कभी भी हिंदी डब में प्रीमियर होगी तो ऑफिशियली स्टार गोल्ड पे ही प्रीमियर होगी और नाम कुरुक्षेत्र ही रखा जाएगा। तो अब देखने की बात ये है कि स्टार गोल्ड इस फिल्म को कब तक प्रीमियर करवाता है। अब बात करें YouTube प्रीमियर की, तो अभी तो YouTube प्रीमियर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो ये न्यूज़ हम आपको दे देंगे। लेकिन स्टार गोल्ड पे प्रीमियर होने वाली फिल्में, यानी कि स्टार नेटवर्क पे प्रीमियर होने वाली फिल्में सभी हॉटस्टार पे देखने को मिलती है। तो ये फिल्म भी शायद स्टार गोल्ड के प्रीमियर के बाद ऑफिशियली हॉटस्टार पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतनी ही छोटी सी न्यूज़ थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में हमें यस करके बताइए कि आप इस फिल्म के लिए इंटरेस्टेड हो। तो और भी ऐसे नई साउथ इंडियन मूवीज़ के अपडेट के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज़ की न्यूज़ के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज़ के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कंफर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।